तो नमस्कार स्टूडेंट, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारा रिंगर सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो होगी। आज जो हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं ये रिंगर सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर अगर इसमें रिंगर की प्रॉब्लम आती है, कि जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और मैं अपने वादे के मुताबिक या कहे के मुताबिक आपको एक एक करके जितने भी सारे जो फॉल्ट हैं वो सारे फॉल्ट मैं सारे स्टूडेंट को मैं सिखा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीक बच्चे हैं या किसी कारणवश कहीं ट्रेनिंग नहीं लेने जा सकते या वो आज मोबाइल फ़ोन की दुकान में काम कर रहे हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं या किसी की दुकान में काम कर रहे हैं लेकिन जब उनके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम को किसी कारणवश ठीक नहीं कर पाते। इसलिए ठीक कर पाते हैं कि उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको काम करने का तरीका नहीं पता, ऐसा भी नहीं है कि उनको काम करना नहीं आता, लेकिन बस दिक्कत ये आती है कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि तरीका। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको फोर व्हीलर चलाने दे दी जाती है और अगर आप उसको नहीं चला पाते तो उसके ना चलाने के सिर्फ एक ही कारण होता है कि आपको उसको चलाने का तरीका नहीं पता। ऐसा नहीं कि आपके पास शरीर से सक्षम नहीं है या आप चला नहीं सकते हैं या आपके अंदर कोई कमी है या आपके अंदर दिमाग की कमी है, सब चीज़ें हैं लेकिन आपको उसका तरीका नहीं पता। अगर आप उसका तरीका सीख जाते हो तो आपको चलाने के लिए बहुत सहज हो जाता है, आसान हो जाता है और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है रिंगर सॉल्यूशन के ऊपर होने वाला है कि रिंगर सॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, रिंगर की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से कम्प्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। यहाँ पर आपको बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईफोन, टैबलेट, सभी गैजेट के बारे में आपको ए से लेकर जेड तक आपको सिखाया जाता है। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये रिंगर के ऊपर वीडियो होने वाला है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर रिंगर का सर्किट काम कैसे करता है या रिंगर की जो समस्या आती है उसको चेक कैसे किया जाता है या इसके खराब होने से मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे चेक किया जाता है, उसका तरीका आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो मैं कहता हूँ आज आपके समझ लीजिए आपके दिमाग से रिंगर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सारे मोबाइल फ़ोन को आसानी के साथ में रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में जब आप सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं सीखते हैं तो एक बात मैं आपको और सजेशन देना चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद उसको वेस्टेज ना करें, एक अपना कॉपी पेन बनाएं, नोटबुक बनाएं, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ने के साथ साथ आप उसको कॉपी में ड्रॉ करें, कॉपी में नोट करें, उसको तैयार करें। नोट करने के बाद फिर जब आप फ्री हों तो उसको एक बार जो अपने किए हुए नोट करने के तरीकों को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने क्लास में जो भी सारी चीज़ें सीखी हुई हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं समझ में आ गई हैं। तो कोई चीज़ जब हम नोट करते हैं तो नोट करने से हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है, हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ उतर जाता है। कहते नहीं कि जब कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो लिखते समय आदमी के दिमाग के अंदर चार प्रोसेस होते हैं, क्योंकि लिखते समय आपका दिल, दिमाग और हाथ तीनों चीज़ें क्या हो जाती, एक हो जाती हैं। जब तीनों चीज़ें एक हो जाती हैं तभी वो चीज़ लिखी जा सकती है, नहीं तो कभी ज़िंदगी में लिखी नहीं जा सकती। इसीलिए आदमी को ये फोकस किया जाता है कि भाई जो चीज़ आपको समझाई गई है उसको लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका दिल उस चीज़ के लिए गवारा करेगा कि भाई चलो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं और आपका हाथ चलेगा और आपके दिमाग के अनुसार काम होगा, तभी वो चीज़ आपको समझ में आती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि रिंगर की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसका तरीका क्या है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग समझते हैं कि रिंगर जो आता है उसका टेस्टिंग क्या होता है। रिंगर को जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, अगर वो चेक करने पर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब है। दूसरी बात क्या, अगर रिंगर फटी फटी आवाज़ देता है तब भी खराब है, रिंगर से आवाज़ कम आती है तब भी रिंगर खराब है, रिंगर खराब है तो उसको मोस्टली क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। वो कोई रिपेयर करने वाला आइटम नहीं है, 10, 20, 30, 50, 100 रुपये तक का मार्केट में मिल जाते हैं, हम लोग उनको ला करके आसानी के साथ में बदल देते हैं। रिंगर के लिए हमारे मोबाइल फ़ोन में रिंगर के जो सिग्नल आते हैं वो हमारे पावर आईसी के माध्यम से आते हैं। इसके बीच में जो सिग्नल ऑडियो सिग्नल होते हैं वो यहाँ से रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये सप्लाई जो होती है ये सप्लाई तुम्हारे रिंगर आईसी पे आ जाती है। रिंगर आईसी जो तुम्हारी 9 पिन की आती है, 16 पिन की आती है, 18 पिन की आती है, इस तरीके से बॉल्स की पाई जाती हैं, इसमें ऐसी बॉल्स होती हैं।
यहां से जो सिग्नल आते हैं ये तुम्हारा ऑडियो सिग्नल होता है। उसके बाद रिंगर आईसी को काम करने के लिए रिंगर आईसी को काम करने के लिए यहां से वीपीएस सप्लाई आती है। ये वीपीएस सप्लाई 3.7 वोल्ट होती है। ये 3.7 वोल्ट सप्लाई आती है चार्जिंग आईसी के माध्यम से और रिंगर आईसी के अंदर एंटर करती है। यहां से जो सिग्नल आते हैं ये हमारा बहुत लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है। ये सिग्नल रिंगर आईसी का काम क्या होता है, रिंगर आईसी का यहीं से काम आपका स्टार्ट होता है। ये रिंगर आईसी क्या काम करती है, जो सिग्नल आते हैं उनको वहां से बाहर की तरफ आउटपुट करती है। आउटपुट करने के बाद उसके आउटपुट में ऐसे कंपनी कॉइल लगाती है, ये सिग्नल आगे जाता है इन पॉइंटों से होते हुए और आपके रिंगर के अंदर चला जाता है। ये आपका इस तरीके से रिंगर के सर्किट काम करता है। दूसरी बात क्या, जब रिंगर आईसी काम करती है तो इस रिंगर आईसी को काम करने के लिए एक और सिग्नल आता है जो हमारा, जिसको हम लोग इनेबल सिग्नल बोलते हैं। ये जो इनेबल सिग्नल होता है ये तुम्हारा सीपीयू के माध्यम से आता है। इसको हम लोग इनेबल सिग्नल बोलते हैं, ऑडियो इनेबल लिखा भी होता है। अगर आप उसको सिमेटिक में देखते हैं तो ऑडियो इनेबल सिग्नल होता है। कई बार इसके सिग्नल के लाइन में भी कंपनी यहां पर ऐसे रेजिस्टेंस लगा देती है और ये सिग्नल तुम्हारा चला जाता है ऑडियो आईसी के अंदर। तो ये हमारा सिग्नल आईसी के अंदर चला जाता है। जब अब ये सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू इसको कमांड देता है कि भाई तुमको कितना आवाज ज्यादा करना है, कितना आवाज कम करना है, ये कंट्रोलिंग होती है इसके पास होती है। जब पावर आईसी से ऑडियो सिग्नल निकलते हैं तो रिंगर आईसी पे जाते हैं। अब रिंगर आईसी का काम क्या होता है कि वीपीएच के द्वारा जो 3.7 वोल्टेज आते हैं 3.7 वोल्टेज को लेता है। 3.7 वोल्टेज लेने के बाद ये जो लो सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है इन फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है, हाई कर देता है। ये एक जो होती है ये इसे ऑडियो आईसी भी बोला जाता है, रिंगर आईसी भी बोला जाता है, साउंड आईसी भी बोला जा सकता है, म्यूजिक आईसी, कुछ भी आप इस अपने अपने नाम से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये आईसी का सिर्फ एक ही काम होता है कि आईसी एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है दोस्तों, एम्पलीफायर की तरह। एम्पलीफायर का मतलब होता है जो हमारे साउंड सिग्नल होते हैं उन साउंड सिग्नल को कई गुना बूस्ट कर देते हैं। क्या बूस्ट होते हैं मैं ये भी बताता हूँ। यहाँ पर जो सिग्नल आते हैं लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, ये जब इसको 3.7 वोल्टेज मिलता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है समथिंग अप्रॉक्स में 5 वोल्टेज आउटपुट होता है। जब ये 5 वोल्टेज आउटपुट होता है, अब 5 वोल्टेज का मतलब नहीं ऐसे कि 5 वोल्ट फिक्स हो जाता है, 5 वोल्टेज का मतलब 2.8 3.1, मतलब जैसा आप यहाँ से इनेबल कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आईसी को इनेबल कर दिया कि भाई इतना सिग्नल बढ़ा दो, तो सिग्नल बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वोल्टेज ही सिग्नल फॉर्म में होते हैं जो फास्ट हो जाते हैं, जिस कारण से आपके रिंगर से आवाज़ तेज हो जाती है। भाई आपके रिंगर से आवाज तेज कैसे आएगी, उसको थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा दे दोगे तो तेज देगा, कम दे दोगे तो धीरे देगा। तो इसी तरीके से कॉमन सेंस में यहाँ पर काम होता है कि सीपीयू से इनेबल सिग्नल आता है तब आईसी कंट्रोलिंग काम करती है, वर्किंग करती है। यहाँ से वीपीएच के 3.7 वोल्टेज कॉइल कैपेसिटर के माध्यम से आईसी के अंदर आते हैं, ये तब आईसी हमारी एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद ये वोल्टेज को बढ़ा देती है जिससे रिंगर में आवाज निकलती है और आपके मोबाइल फोन में रिंगर काम करना शुरू हो जाता है। ये आपके मोबाइल फोन में रिंगर के काम करने का कॉन्सेप्ट होता है। अब चलिए दोस्तों हम इसको चेक कैसे करेंगे कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, कस्टमर मोबाइल फोन लेकर के आता, कहते हैं मेरे मोबाइल फोन में रिंगर नहीं बज रहा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप उस मोबाइल फोन में पहले वॉल्यूम सेटिंग को चेक करिए। हो सकता है उसने वॉल्यूम को ही बंद कर रखा हो, वॉल्यूम को ऑफ कर रखा हो। आपने वॉल्यूम सेटिंग को चेक कर लिया, वॉल्यूम सेटिंग चेक करने के बाद अगर उसके बावजूद भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करिए, मोबाइल फोन खोलिए, उससे रिंगर को क्या करिए, साफ करिए। जैसे आप रिंगर को साफ करेंगे तो रिंगर साफ सूफ करने के बाद वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर उसमें कई बार ऐसा होता फोन गिर जाता है, लूज हो जाता है, तो रिंगर की डब्बी ढीली हो जाती है, तो इसे आप साफ सुथरा करिए। जैसे साफ सुथरा करेंगे उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो सबसे पहले प्राइमरी काम आप क्या करेंगे, ये जो मोबाइल फोन के अंदर रिंगर लगा हुआ है इस रिंगर को आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे, अगर चेक करने पर यह बीप देता है
तो बीप देने का मतलब सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है, खराब होगा तो नया डाल देंगे, फटी फटी आवाज आती है तब भी डाल देंगे। अब बारी आती है ट्रैक चेक करने की। अब इसका ट्रैक कैसे चेक करेंगे? ट्रैक चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सारे पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट पर यहां पर चेक करेंगे, तो यहां पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। जैसे आप इन पॉइंटों में चेक करेंगे वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू जो होती है समथिंग 300 से लेकर के 900 के अप्रोक्स में वैल्यू आती है। अगर यहां पर वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम लोग जीआर रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्राउंड रीडिंग, जीआर रीडिंग कुछ भी कह सकते हैं। तो रेड पिन को ग्राउंड पर लगाते हैं, जैसे ब्लैक से चेक करते हो तो यहां पर वैल्यू आती है। वैल्यू आने से यह पता चलेगा कि आपका रिंगर का जो कनेक्शन है ये आपकी आईसी से है। क्या पता चलता है दोस्तों? वैल्यू आने से तुमको यह पता चलता है कि इसकी कनेक्टिविटी आईसी तक है। ऐसे ऊपर का चेक करते हैं तो ऊपर में भी वैल्यू आती है, तो वैल्यू आने से इसकी कनेक्टिविटी आईसी तक है। अगर इसकी कनेक्टिविटी आईसी तक है तभी यह काम करेगा, अगर कनेक्टिविटी आईसी तक नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आती है। अगर वैल्यू नहीं आती तो इसके ट्रैक में जो कॉइल लगी होती है, यह कॉइल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। जब कॉइल ब्रेक हो जाती है तो आपके मोबाइल फोन में रिंगर काम करना बंद कर देता है। अगर आपने कॉइल को चेक कर लिया, कॉइल चेक करने के बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सेम है और वैल्यू आ रही है, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सेम है, फिर भी रिंगर नहीं काम कर रहा है, तो सबसे पहली बार ये देखेंगे कि रिंगर को भाई सप्लाई लाइन मिल रही कि नहीं मिल रही। सप्लाई लाइन का मतलब होता है वीपीएच वोल्टेज। ये वीपीएच वोल्टेज जो चार्जिंग आईसी के माध्यम से हमारे आ रहे थे, वो यहाँ तक कैपेसिटर तक प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इसके बीच की जो कॉइल लगी, अगर कल को ये कॉइल भी खराब हो जाएगी तब भी आपके मोबाइल फोन में रिंगर काम करना बंद कर देगा। तो आप क्या करेंगे? इस कॉइल को चेक करेंगे, इस कॉइल खराब होती है तो इस पर जम्पर मार देंगे, रिंगर आईसी को वोल्टेज मिल जाएंगे, 3.7 वोल्टेज काम हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो अब आपने रिंगर आईसी का आपने आउटपुट चेक कर लिया, आपने रिंगर आईसी का वोल्टेज भी चेक कर लिया। अब आपको यह देखना है कि रिंगर आईसी में सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहां पर रिंगर आईसी के पास में जो ऑडियो पावर आईसी के द्वारा जो सिग्नल आते हैं, इसके लाइन में भी जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, अगर ये खराब हो जाते हैं तब भी रिंगर आईसी को सिग्नल नहीं मिलेगा, और रिंगर आईसी को जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तो रिंगर आईसी आगे सप्लाई नहीं देगी, तब भी रिंगर नहीं काम करेगा। तो आप इनको भी चेक करना पड़ेगा। अब आपने क्या कर लिया? रिंगर आईसी का आपने इनपुट चेक कर लिया, रिंगर आईसी का आपने आउटपुट चेक कर लिया, रिंगर आईसी का आपने वोल्टेज भी चेक कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं काम कर रहा है, तो अब आपको रिंगर आईसी का इनेबल लाइन को चेक करना है। ये चेक करना है कि रिंगर आईसी का जो सीपीयू के माध्यम से यहाँ पर इनेबल लाइन आ रहा है तो वो सही है कि नहीं सही है। अगर इनेबल लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी तब भी रिंगर आईसी बिल्कुल डंप हो जाएगी, चुपचाप, मतलब काम ही नहीं करेगी, क्योंकि सीपीयू उसको कमांड ही नहीं देगा। जैसे आपका हाथ ऐसे है, अगर दिमाग न सोचे कि हाथ हिलेगा तो भले इसमें कितनी शक्ति हो लेकिन हिल नहीं सकता। क्यों नहीं हिल सकता? क्योंकि यहाँ से सोचा नहीं। तो उसी तरीके से क्या है, जब तक सीपीयू इसको कमांड नहीं देगा तब भी आपकी रिंगर आईसी काम नहीं करेगी। तो अगर आपका ये सप्लाई लाइन ऑडियो का लाइन खराब हो जाएगा तब भी रिंगर काम करना बंद कर देगा। तो अगर इसके ट्रैक में रेजिस्टेंस लगे हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो जंपर मारने से हम लोग इसको भी ओके कर सकते हैं, या अगर ज्यादा हाई वैल्यू का होता है तो उतनी वैल्यू हमको लगाना भी पड़ जाता है। अगर मान लिया यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है वो 4 किलो ओम का लगा है या 12 किलो ओम का लगा है, 23 किलो ओम का लगा है, तो आपको रेजिस्टेंस उतनी वैल्यू को लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जंपर काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो सिग्नल का है, और सिग्नल का मतलब होता है इनेबल करना। क्या करना? इनेबल करना। तो इनेबल करने के लिए फिर आपको रेजिस्टेंस पे जंपर हम लोग ऐसा रहता है कि 100, 200, 500 किलो ओम तक, 500 ओम तक दे सकते हैं, और जहां पर बारी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो ओम की बारी आ जाती है तो वहां पर फिर हमको रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ जाता है। अगर इसके खराब हो जाता है तो रजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता चलती है, रजिस्टेंस की वैल्यू भी शिफ्ट हो जाती है, तो भी हम किसी दूसरे मदरबोर्ड से रजिस्टेंस को चेक करते हैं, या सेम मदरबोर्ड से, नहीं तो आपके पास सिमेटिक होता है तो सिमेटिक के माध्यम से उस रजिस्टेंस की वैल्यू को काउंट कर लेते हैं और उस वैल्यू के हिसाब से कहीं से भी उतार करके लगा देते हैं और आपका काम हो जाता है, रिंगर का सप्लाई ट्रैक सही हो जाता है। अब आपने चेक कर लिया रिंगर का आउटपुट भी सही है, इनपुट भी सही है, वोल्टेज भी सही है, इनेबल सिग्नल भी सही है, सब कुछ सही है, तो फिर इसका मतलब है तुम्हारा रिंगर आईसी खराब है। जब रिंगर आईसी खराब होगी तो रिंगर आईसी को पहले रिवोल्व करके देखेंगे, रिवोल्व करने के बाद नहीं होगा तो रिंगर आईसी किसी दूसरे मदरबोर्ड से उतार करके आप चेंज करेंगे, सेम नंबर से चेंज करेंगे या सेम मॉडल्स के हिसाब से आप उसको चेंज करेंगे, तब आपके मोबाइल फोन में काम होगा। अब चलिए दोस्तों, मैं इसी का मैं आपको मदरबोर्ड में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, बोर्ड में आपको दिखाता हूँ, ताकि मदरबोर्ड के अंदर कैसा होता है एक्चुअली उस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे। इसके लिए हम लोग आपको अपने माइक्रोस्कोप में ले चलते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं ताकि आप उन सब चीजों को समझ सकें,
ताकि जो भी हमने आपको बात बोली है वो आपको लाइव देख सके। ऐसा नहीं कि सारी बातें हो गई हवा हवाई में, बाकी काम खत्म, तो उन चीजों को आप देख सके। जिस तरीके से हम आपको यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, और जब आप क्लास में सीख रहे होते हैं तो उसी वे में ही आपको सिखाया जाता है, और एक एक करके उन सब चीजों के बारे में आपको पूरा कंप्लीटली आपको उन सब चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग पूरा आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग अपने आगे टीवी स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास एक मोबाइल फोन का बोर्ड है, इस मोबाइल फोन के बोर्ड के ऊपर सबसे पहली बात तो मैं आपको रिंगर दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपके मोबाइल फोन में रिंगर लगा हुआ है, ये देखिए, ये पूरे रिंगर की डब्बी लगी है। इसमें जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंटों को जब आप चेक करेंगे, अगर ये बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। चलिए हम लोग मदरबोर्ड में चेक करते हैं। मदरबोर्ड के लिए ये हमारे मोबाइल फोन में ऐसे पूरा यूआई लगा होता है। यूआई में रिंगर के जो ट्रैक होते हैं, ये ट्रैक यहाँ से होकर के जाते हैं। कई बार कंपनी यहीं पर देखो फ्यूज लगा देती है, फ्यूज सप्लाई होते हुए यूआई पत्ते पे चली जाती है। इस यूआई पत्ते से सप्लाई होते हुए और आपके बोर्ड में ऊपर आ जाती है। जब बोर्ड में ऊपर आ जाती है तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका इसका सर्किट बना हुआ है, ये देखिए। ये आपका रिंगर का सर्किट बना हुआ है। अगर मान लिया आपके मोबाइल फोन में रिंगर काम नहीं कर रहा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, ये आपकी तुम्हारी जो लगी है, ये तुम्हारी रिंगर आईसी है। रिंगर आईसी के बाद यहां से रिंगर आईसी का आउटपुट निकलेगा, जो क्वाइल के माध्यम से आउटपुट निकलेगा। ये आउटपुट तुम्हारा यूआई पत्ते पे चला जाता है। यूआई पत्ते के माध्यम से ऐसे तुम्हारा रिंगर बजना चालू हो जाता है। उसके बाद ये रिंगर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होता है इसको वीपीएच सप्लाई। क्या चाहिए होता है दोस्तों? वीपीएच सप्लाई। तो ये वीपीएच सप्लाई जो आपके, अगर इसमें देखेंगे, जो सबसे मोटा कैपेसिटर होता है, उस मोटे कैपेसिटर पर रिंगर आईसी काम करने के लिए सप्लाई आती है। तो अगर इसमें गौर करेंगे तो इसमें से ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सबसे मोटा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का एक हिस्सा तुम्हारा ग्राउंड होता है, दूसरे इस कैपेसिटर पर सप्लाई आती है। ये कौन सी सप्लाई होती है? वीपीएच सप्लाई होती है। कुछ मोबाइल फोन में यही सप्लाई वी बैट भी आती है। तो ये वीपीएच सप्लाई जब इस पर आएगी और ये सप्लाई चली जाएगी इसके अंदर, तो रिंगर आईसी क्या करेगी, उस सप्लाई को बूस्ट करेगी। बूस्ट करने के बाद इस सप्लाई को काम करने के लिए पावर आईसी के माध्यम से, जो इसके अंदर पावर आईसी तुम्हारी लगी होती है, इस पावर आईसी के माध्यम से दो ट्रैक आएंगे, इस रेजिस्टेंस से होते हुए चले जाएंगे इसके अंदर। यही ट्रैक रेजिस्टेंस से होते हुए चले जाएंगे इस आईसी के अंदर। उसके बाद क्या होता है, सीपीयू के माध्यम से, आपका सिग्नल आता है, मान लिया कैपेसिटर से होते हुए चला जाता है तुम्हारा इसके अंदर, तब आपकी रिंगर आईसी काम करती है। यहाँ से जो सबसे पहला जो सिग्नल आने वाला है, ये तुम्हारा ऑडियो सिग्नल आने वाला है। कौन सा सिग्नल आने वाला दोस्तों? यहाँ से जो तुम्हारा आएगा, ये ऑडियो इनेबल सिग्नल। और ये जो सिग्नल तुम्हारा आने वाला है, ये पावर आईसी से आया ऑडियो सिग्नल। ये जो सप्लाई आई, ये तुम्हारा क्या हो गया? आउटपुट। क्या हो गया दोस्तों? आउटपुट। आउटपुट सप्लाई निकल रही। तो इस तरीके से रिंगर आपका काम करता है। तो रिंगर काम करने के लिए सबसे पहली चीज तो आप उसका आउटपुट चेक करेंगे, फिर आप क्या चेक करेंगे, उसका वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद उसका जो सप्लाई आ रही, ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं, आप उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद ऑडियो जो इनेबल सिग्नल आ रहा है, आप उसको चेक करेंगे। इस तरीके जब सारा सब कुछ चेक कर लेंगे, उसके बावजूद भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सेम है, तब आप कहीं ना कहीं रिंगर आईसी को क्या करेंगे, रिंगर आईसी को रिवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? रिंगर आईसी को रिवॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे। जैसे आप रिंगर आईसी को चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन में यदि रिंगर की प्रॉब्लम आती है, तो रिंगर की प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको मदरबोर्ड में मैंने आपको बताया काम करने का तरीका। ये मेरे पास जो मोबाइल फोन का बोर्ड है, ये MI Note 4, ये हमारी नोट 4 के मैंने आपको सर्किट सप्लाई के बारे में आपको समझाया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अपने फिर पीछे वही पुराने सीमेटिक पे चलते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है, तो ये सभी लोग आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए,
नोट करने के बाद आप इनको ऐसे डिटेल में आप समझ सकेंगे। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको रिंगर सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के रिंगर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने रिंगर के बारे में सीखा हुआ है, इसको आप लोग चेक करें, चेक करने के बाद आप समझें, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज करें। और अगर आप इस सब चीज़ों संबंधित अगर इसी तरीके से या इससे और एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ए से लेकर जेड तक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में सीख सकते हैं।